नमस्ते बच्चों। बच्चों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और जीवन में मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो काम हाथ में ले उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे काम करके ही हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। और हम पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ की स्वच्छता को बनाए रखें। वैसे ही हमें अपने स्कूल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। तो आओ ऐसे ही एक कविता को पढ़ते हैं, पाठ 16, छोटे छोटे कदम। चलिए, आप इस कविता को मेरे साथ आप सभी दोहराते जाएंगे। मैं कविता को गा रही हूँ, उसके बाद हम कविता के अर्थ समझेंगे। पहले हम कविता को पढ़ेंगे। छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ना कभी न छोड़ेंगे हम हर दिन पढ़ने जाएंगे, पढ़ना कभी न छोड़ेंगे हम हर दिन पढ़ने जाएंगे। छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। घर आंगन को साफ रखेंगे गलियां साफ बनाएंगे, घर आंगन को साफ रखेंगे गलियां साफ बनाएंगे, कैसे जीना हमें चाहिए जीकर हम दिखलाएंगे, कैसे जीना हमें चाहिए जीकर हम दिखलाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा कविता आप सबको? अच्छा लगा ना? तब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ना कभी ना छोड़ेंगे हम हर दिन पढ़ने जाएंगे। बच्चों, हम अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर स्कूल पढ़ने जाते हैं और पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ है, उसको देखते हैं। छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। इसका अर्थ है कि हम अपने छोटे छोटे हाथों से गड्ढे बनाएंगे और इन गड्ढों में अच्छे और सुंदर सुंदर पौधे खूब लगाएंगे, क्योंकि पौधे लगाने से शुद्ध हवा मिलता है, हरियाली रहती है और छाया मिलता है। अब अगली कविता का अगली पंक्ति है। घर आंगन को साफ रखेंगे गलियां साफ बनाएंगे, कैसे जीना हमें चाहिए जीकर हम दिखलाएंगे। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है कि हम अपने घर आंगन और गलियों को साफ रखेंगे, हमें स्वच्छता से रहकर कैसे जीवन जीना है जीकर हम दिखलाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? आपने कविता को सुना, कविता के अर्थ को भी समझा। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है और पढ़ना लिखना जारी रखना है, पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए आप सब भी पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे और साफ सफाई और स्वच्छता को अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन की आदतों में शामिल करिए, ताकि क्या है, जो साफ सफाई और स्वच्छता से रहकर कैसे जीवन जीना है यह जीकर आप सभी लोगों को दिखलाइए। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न पहला, सही उत्तर चुनकर लिखो। आपको चार विकल्प रहेगा, इसमें से जो सही उत्तर है उसे चुनकर लिखना है। पहला है, कदम का क्या अर्थ है? अभी हमने पढ़ा कविता में, कदम का क्या अर्थ है? क, हाथ, ख, पग, ग, पेड़, घ, पौधा। तो कदम का सही अर्थ क्या है? पग। बहुत अच्छा। अब दूसरा देखिए, ई यानी छोटी ई की मात्रा लगा हुआ शब्द कौन सा है? इनमें से आप पहचानिए। क, जीना, ख, गली, ग, खली, घ, दिन। अब इनमें से पहचानिए छोटी ई की मात्रा कौन से शब्द में लगा हुआ है।
हाँ बहुत बढ़िया, घा दिन में छोटी की मात्रा लगा हुआ है। अब आगे देखिए, छोटे छोटे जैसे समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? अब देखिए, जैसे छोटे छोटे आपने उच्चारण किया तो छोटे छोटे जैसे मिलता जुलता समान ध्वनि वाला कौन सा शब्द है? क में दिया हुआ है बड़ा बड़ा, ख बड़ी बड़ी, ग मोटे मोटे, घ मोटी मोटी। अब देखिए, छोटे छोटे जैसे शब्द से मिलता जुलता कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है आपको? क ख ग घ में से कौन सा दिखाई दे रहा है? ग। बहुत अच्छे, मोटे मोटे, बढ़िया। अब अगला देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में लड़के के हाथ में क्या है? आप चित्र को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है लड़के के हाथ में? क थर्मस, ख संदूक, ग सूटकेस, घ बस्ता। क्या है? बस्ता। बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, दिखलाएंगे शब्द में कितनी आवाजें हैं आपको बताना है। दिखलाएंगे आप उच्चारण करके देखिए, उसमें कितनी आवाजें हैं? क दो, ख चार, ग पांच, घ छः। आप देखिए उच्चारण करके बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। दिखलाएंगे, बताइए कितनी आवाजें आ रही है? पांच, पांच आवाजें आ रही है दिखलाएंगे शब्द में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। अब इनमें से आपको चारों में से छांटना है कि संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है। क लगाएंगे, ख आंगन, ग छोटे छोटे, घ गड्ढा। कौन सा शब्द आ रहा है संयुक्त अक्षर, किसमें आधा अक्षर मिला हुआ है? हाँ गड्ढा, गड्ढा जो है संयुक्त शब्द है। ठीक है बच्चों, अब आगे फिर देखिए, आपको यह किसका चित्र है? चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए यह किसका चित्र है। क पेड़ का, ख गमले का, ग गुलदस्ते का, घ पौधे का। किसका चित्र है? पेड़ का चित्र है। बहुत अच्छे। अब आगे देखिए वस्तुनिष्ठ को सही उत्तर चुनकर में। अब आगे है आपका, किस शब्द में ह वर्ण आया है? आपको फिर देखिए, क में अच्छा, ख हमारे, ग पढ़ना, घ सुंदर। किस में ह आ रहा है देख के बताइए आप। बहुत बढ़िया, ख हमारे, हमारे में ह वर्ण आ रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इनमें से चंद्र बिंदु वाला शब्द कौन सा है? अब क में देखिए सुंदर, ख में रखेंगे, ग में आंगन, घ में छोड़ेंगे। इन चारों में से किस में चंद्र बिंदु लगा है? कौन चंद्र बिंदु लगा वाला शब्द कौन सा है आप पहचानिए तो? आंगन, आंगन में चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, अब अगला देखिए, इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? आप चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? क गड्ढे खोद रहे हैं, ख पौधों में पानी दे रहे हैं, ग साफ सफाई कर रहे हैं, घ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। और दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बताना है। क में दिया हुआ है पढ़ना क्यों जरूरी है? आप बताइए तो पढ़ना क्यों जरूरी है? अभी हमने पाठ में पढ़ना पढ़ाया है ना, पाठ में क्यों जरूरी पढ़ना? आगे बढ़ने, तरक्की करने और उन्नति के लिए पढ़ना जरूरी है। और देखिए ख प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? बताइए तो पेड़ पौधे से हमें क्या लाभ है, क्या क्या मिलता है पेड़ पौधों से? पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलता है, दूसरा पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, और तीसरा छाया मिलती है, और चौथा जलाऊ लकड़ी मिलती है ना, जलाऊ लकड़ी जिससे चूल्हा जलाते हैं हम और हम उस पर खाना पकाते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ग प्रश्न को देखिए कि घर, सड़क, स्कूल, सभी जगह सफाई क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए तो? आप सभी घर में रहते हैं, सड़क पे चलते हैं, स्कूल आते हैं, इन सभी जगहों पर सफाई क्यों जरूरी है? हाँ घर, सड़क, स्कूल, सभी जगह सफाई बहुत जरूरी है ताकि बीमारी ना फैले,
बहुत अच्छे। उसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर बोलो। यहाँ पर वाक्य दिए हैं मेहनत, फूल, गड्ढा, आंगन। इनमें से ही एक एक शब्दों से लेकर के आपको एक वाक्य बनाना है। चलिए देखते हैं, मेहनत। मेहनत से क्या वाक्य बनेगा, सोचो तो जरा। बहुत बढ़िया, मेहनत का फल मीठा होता है। आप सब भी मेहनत करते ना, इसलिए हमें जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। फूल, फूल तो सभी को पसंद है। फूल से कोई वाक्य बनाइए, फूल तोड़ना मना है। बगीचे में, उद्यान में सब जगह लिखा रहता है ना, फूल तोड़ना मना है, क्योंकि फूल पौधों पे ही, पेड़ों पे ही अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं ना। हाँ, इसलिए वहाँ पर निर्देश लिखे रहता है, फूल तोड़ना मना है। अब अगला देखते हैं, गड्ढा। गड्ढा से क्या एक वाक्य बनेगा, बनाओ तो। मैंने एक गड्ढा खोदा, बहुत बढ़िया है। मैंने एक गड्ढा खोदा पौधा लगाने के लिए, ठीक। अब आंगन देखो, आंगन, आंगन से कैसे बनेगा वाक्य। सबके घर में आंगन है, बताओ क्या बनेगा। हाँ, मेरे घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा है, है ना। अधिकांशतः सबके घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है ना। हाँ, उसके बाद बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य है, आप उसे अपने अभ्यास कॉपी में बनाएंगे, और इसके लिए आप अपने घर के बड़े भाई बहनों की भी मदद ले सकते हैं। देखिए, गृह कार्य का पहला प्रश्न है, पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे एक मैं उदाहरण बता दे रही हूँ, गली। गली से हमने उसमें या लगा के क्या बना दिया है, गलियाँ। गली से क्या बन गया, गलियाँ। उसी प्रकार से आपको कली, सखी और चक्की, इसी तरह तुम इन सब के आपको शब्द बनाना है। जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको बताया है ना, गली से गलियाँ बना के, वैसे ही आप इन शब्दों को बनाना है, ठीक है। दूसरा गृह कार्य है, देखिए आपको इसको करने में मजा आएगा, पेंसिल की सहायता से पेपर पर अपने कदम या पैर का छाप बनाओ। पेन या पेंसिल ले लीजिएगा, और आपके घर में कोई सा भी प्लेन पेपर होगा, कोरा पेपर होगा, या समाचार पत्र का पेपर होगा, या कोई खाली पेपर होगा, उस पर आप अपने कदम, अपने पैर रखेंगे और पेंसिल की सहायता से या पेन की सहायता से अपने पैर का छाप बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब तीसरा गृह कार्य है आपके लिए, गमला और फूल का चित्र बनाकर रंग भरो। आपको अपनी कॉपी में गमले का और फूल का चित्र बनाकर अपनी पसंद का रंग भरना है उसमें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।